हे गाइस, आई एम के एंड यू आर वाचिंग दी हिंदी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के लिए हम बात करेंगे बेस्ट फोटो एडिटिंग एप्लीकेशनों के बारे में, बेस्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशनों के बारे में। मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है और उन सभी एप्लीकेशनों का मैं रिव्यू कर चुका हूँ, तो आपको वो सभी की सभी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं हमारी फोटो एडिटिंग एप्लीकेशनों के बारे में। आपको तो वैसे तो काफ़ी सारी फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन मिल जाएगी, पर मेरे यहाँ पर जो मैंने जो तीन एप्लीकेशन यहाँ पर ली है आज भी, वो तीनों की तीनों मेरी फेवरेट है। मुझे नहीं लगता है कि अगर हो सकता है कि वो एप्लीकेशन शायद आपको ना पसंद आए, बट अधिकांश चांस यही रहेंगे कि, और मैंने उन एप्लीकेशन को काफ़ी ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो है वो पसंद आएगी। जो हमारे तीसरे नंबर पे जो एप्लीकेशन आती है वो आती है स्नैपचैट। स्नैपचैट बेसिकली में गूगल का एक प्रोडक्ट है, वो काफ़ी अच्छी टाइप की जो इसमें आप फोटो एडिटिंग है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप काफ़ी सारे टाइप के ओवर हेड डाल सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, आप यहाँ पर काफ़ी सारे टाइप के टेक्स्ट को एडिटिंग कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर एडिटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बट यहाँ पर एक जो चीज़ है वो जो कमी हमको जो दिखाई देती है वो आती है कि आप यहाँ पर PNG वाली जो एडिटिंग है वो नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप जो अपना बैकग्राउंड रिमूव वाली जो एडिटिंग है वो अच्छी टाइप से नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आपको PNG वाली जो एडिटिंग जो फाइनल आउटपुट में निकालनी है तो वो आप यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं। तो एक यहाँ पर एक थोड़ी सी कमी है जो कि हमारे जो आगे आने वाले सॉफ्टवेयर है वो आपको कमी पूरी कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को जो स्नैपसीड एप्लीकेशन है वो अच्छी लगेगी और लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पर आप जो भी एडिटिंग करेंगे वो आपको फोटोशॉप लाइव की एडिटिंग दिखाई देती है और फोन्स आपको काफ़ी अच्छे आउटपुट में दिख जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन आती है पिक्सलर। पिक्सलर एप्लीकेशन के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारी YouTube चैनल के ऊपर जितने भी फोटो एडिटिंग अब तक हुई है, मतलब जितने भी मैंने थंबनेल लगाए हैं, सभी की सभी वो पिक्सलर के द्वारा बनी हुई है, किसी भी और अदर एप्लीकेशन के द्वारा नहीं बनी हुई। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे जो पिक्सलर एप्लीकेशन वो कितनी ज़्यादा पसंद है और मैं उसको कितना हद तक यूज करता हूँ। तो इस एप्लीकेशन के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छे टाइप के फ़िल्टर्स मिल जाते हैं, और आपको जो एप्लीकेशन के जो फ़िल्टर्स हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं तो आप उनको अदर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पर कोई फालतू ऐड देखने को नहीं मिलते हैं, मतलब ऐड तो आपको देखने को मिलेंगे बट उतने ज़्यादा ऐड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स आपको प्रीलोडेड मिल जाते हैं। अगर आपको प्रीलोडेड जो अगर फ़ॉन्ट्स हैं वो पसंद नहीं आते तो आप उनको एक्सटर्नली डाउनलोड भी कर सकते हैं। काफ़ी टाइप के यहाँ पर क्लिप आउट मिल जाती है, यहाँ पर आप PNG फोटो का यू ले सकते हैं। अगर आप फाइनल आउटपुट में अगर आप PNG देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके की एप्लीकेशन है, तो आई होप आप इस एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड करेंगे। अब जो नंबर वन एप्लीकेशन आती है वो आती है पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के बारे में बेसिकली हम इतना बोल सकते हैं कि आप जो फोटोशॉप को मानते हैं बेसिकली में वो एक मोबाइल के रूप में आपको पिक्सआर्ट मिल जाता है। आप यहाँ पर जो चीज़ फ़ोटो के बारे में सोच सकते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के बारे में मैं अगर आपको बताने लगूँ तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे इसके लगभग हर एक मतलब टूल के बारे में एक्सप्लेनेशन करने के बारे में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे टाइप का टूल मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे आपको ओवरलेज मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं इन एप्लीकेशनों को सिर्फ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, इन ऐपों को ट्राई करने का काम सिर्फ आप लोगों का होगा, कि और आप अपने फीडबैक के हिसाब से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको इन तीनों एप्लीकेशन के अंदर कौन सा जो एप्लीकेशन है वो अच्छा लगा। अगर आपके पास कोई और बेटर एप्लीकेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमको बता सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, देख लें, धन्यवाद और बने रहिए दी हिंदी टेक्निकल के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।